सर एक्चुअली मेरे जब दीदी का रिजल्ट आ गया था वो मेरे से मतलब एक दो वीक पहले का आ गया है, तो मेरे लिए दीदी की आई थी 92%, तो मेरे लिए एक स्टैंडर्ड सेट हो गया था, मतलब मुझे इनसे ज्यादा लेनी लेनी है, नहीं तो मेरी घर पे बेइज्जती होगी। तो इसी ये बताओ अगर दीदी आगे आईएएस की सीट निकाल गई फिर आपका टारगेट क्या होगा? हाई पोस्ट मेरा 8th से जिले 97 आए है ना, तो मुझे लग गया ये इन्हें ब्रेक है नहीं करने, बट इन्हें अभी ब्रेक की तो 99.9% ले होते, तो इन्हें मतलब हर क्लास से मुझे ये बोलता कि दीदी मतलब मते लेने मते लेने मते लेने, और इन्हें 10th से भी लेते तो बड़ा प्राउड फील हुआ है। दोस्तों ये तो भैन होंगी ने भरा बोला ना कि मैं नंबर ऊपर लेते हैं दीदी बुला, लेकिन दीदी की खुशी है कि मेरा भरा मेरे को बहुत नंबर लिया है, ये तो योगदान है भैने का, बड़ा बड़ा दिल होंगे भैने का, और चेहरे पर तुम मुस्कुराहट दिखा दियो कि मेरा भरा अच्छे नंबर लिया है। 7th क्लास थोड़ी मेरी मम्मा ने मुझे आपू पढ़ाया था, इवन 10th थोड़ी मम्मा ने पढ़ाया था, सिर्फ मैथ्स की मैं ट्यूशन लाई ही 8th के बाद, बट 7th थोड़ी मतलब मम्मा ने का पढ़ाया था घर, तो कुछ होना तो पापा बोला पूछ लेना। मेरे दादू 2018 च एक्सपायर हुई, अगर अज होंगे तो काफी प्राउड होना हा, क्योंकि उन्हें मैं निका प्राइज लेना ना, तो मैं मम्मा उनके को बाद आना, पहले दादू बोल जाना कि बाजी मैं प्राइज जितया, तो उन्हें मिगी उसे टाइम बालरा करी ना, तो अज नहीं है, जिले मेरे एग्जाम्स हुआ दे तो मेरे नानू भी एक्सपायर हुई है, तो अज वो दोनों नहीं हैं, तो मिगी बड़ा ही उनकी कमी महसूस हुआ दी, अगर अज वो दोनों होंगे तो कुछ खुशी हो रहा लगो नहीं। दोस्तों सही गल है, दादा ते नाना दादी ते नानी उनकी कहानियां सुनी है, उनकी शिक्षा ले आई अस बड़े होंगे, और उनका का योगदान बड़ा बड़ा योगदान होंगे कि अगर अस कुछ हासिल करना। अज मैं गुड़ा मोड़ इतने बैठे ना, तो मेरे कन्ने माता पिता बैठे ने, वो माता पिता जिंदी धी राणी ने गुड़ा सलाखी का नाँ रोशन किया, अपने जिला सांबा का नाँ रोशन किया, बारहवीं च शैल नंबर लियाने, हूँ इं कि सकता कि साड़ी धी राणी ने अगर नंबर शैल लियाने हो, तो इंदा जो पुत्र है उन्हें भी दसवीं चा शैल नंबर लियानी है, नाँ रोशन किया अपने ग्रां का इस जिला सांबा का। मैं तुसें देखना तुस भी सवेरे को लेइयै शामी तक लगे दे होंदे हो कम्म करने के, अज वो सुकून मिलता है कि साड़ी मेहनत सफल हुई है, अज बच्चे नंबर बड़े अच्छे लैने ने। नहीं सुकून तो बड़ा गै ज़्यादा मिलिया, कि और मी बड़ी ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे बच्चे दोनों बच्चे अच्छे नंबर ले, इहदे ने ट्वेल्थ बेटी ने ले 92.something, तो बेटे ने 97.6 ले, अज बड़ा अच्छा दिन है, एक दिन पहले आया अच्छा दिन, लेकिन अज मेरा दिन इतना अच्छा आया, तो मैं ये आखना चाहना कि ये बच्चे की मेहनत है, बच्चे जेडे नंबर आते हैं ये बच्चे की अपनी कोशिश होंगी है, दूआ जेड़ा उदा स्कूल उदे टीचर जेदे उदे ट्यूटर होंगे वो मेहनत करवाते हैं, पेरेंट्स तो रोल प्ले करते गए करते हैं, वो फर्ज है एक करना ये प्रति, तो बाकी बच्चे की अपना एफर्ट बड़ा ज़्यादा होंगे, कि हूँ आखोगे असें कुछ किया ज्यादा, अस कुछ ज्यादा नहीं करते, साढ़े को जिन्ना होंगे अस उन्ना करने उन्दे आस्ते। गाइडिंग एंड कोचिंग सैल जो गुड़ा सलाखी है उसके कन्ने भी बच्चे की बड़ी डिवेलपमेंट हुई, उनका जरा मैं तो देखना दिमागी जो संतुलन है वह बेहतर होया, इन्नी प्रोग्रेस बड़ी मिली, ये कोई शक नहीं है, जरा गाइडिंग एंड कोचिंग सैल गुड़ा सलाखी है वीर प्रताप सिंह चलाए ना, वो एक ऐसी चीज चलाई ना, वो इम्पोसीबल ही कि गुड़ा सलाखी है जो कोई भी वो कुछ भी नहीं है पूरे साढ़े जे एंड के ऐसा इंस्टीट्यूट कोई भी हैनी है सैल बने का कोई हले धोड़ी कि जिन्हें इन्नी डिवेलपमेंट और इन्नी ज्यादा बच्चे की इन्नी पावर लिया ना उनकी इन्नी फ्रीडम लिया ना कि बड़ा ज्यादा उन्हें समझो एक्सपोजर मिले वे बच्चे कि उसकी वजह कन्ने ना साढ़े गुड़े का ना बड़ी दूर तोड़ी गया। दोस्तों ये मेरे कन्ने बी और बैठे बहुत मेहनती इंसान ने बहुत मेहनत की हुई है इन्हें इस स्थान तक पुजने और इनकी इन्ने अच्छे संस्कार मिले देने कि ग्रां जिसलै भी आते हैं बजुर्गे कन्नै अच्छी तरह गल करते हैं बच्चे कन्नै अच्छी तरह गल करते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं होंदा अगर बाबा सलदेव हुंदे अग्गे मत्था नहीं टेकते हो, हर ऐतवार इन्हें हर चार जरूर जाना होंदा बाबा सलदेव होरें, और इनकी धर्मपत्नी मेरे कन्नै भाभी होर भी बैठे ने, एक माँ की बड़ी बड़ी तपस्या होंगी अपने बच्चे वास्ते, उनका घर का कामकाज भी करना और बच्चे कन्नै भी रोना, बच्चे की पढ़ने से प्रेरित भी करना, पिता तो बाहर रोंदे ने घरों बाहर रोंदे ने, लेकिन मां की बड़ी एक कोशिश होंगी एक प्रयास होंगे। भाभी जी अज कि लगा थोड़ी जी मेहनत ही अज सफल होंगी लगभग ही है, थोड़ी धी राणी ने भी शैल नंबर लेने, थोड़े पुत्र ने भी शैल नंबर लेने, जमियां बच्चे अज मैं देखना कि मासियां भी फोन करा रही, मामे भी फोन करा दे, अज सारे खुश ने,
दोस्तों तुम दिखा रहे हो भाभी और इमोशनल होइए ने, एक मां का इमोशनल होना लाजमी है, बहुत मेहनत होती है, इसके पीछे बड़ी मेहनत छपी दी होती है, क्योंकि कुछ चीजें लगती नहीं है। एक पिता का बड़ा बड़ा योगदान होता, एक माता का बड़ा बड़ा योगदान होता, जिया इन्हें बोलिया कि बच्चे का बड़ा बड़ा एफर्ट होगा, बच्चे का एफर्ट तो है लेकिन उसके पीछे अगर माता पिता की सपोर्ट नहीं हुआ तो बच्चे भी कामयाब नहीं होंगे, उनकी सपोर्ट होना बड़ा जरूरी है। साढ़े भाई और बड़ी सपोर्ट करते हैं, और भाभी और दिखी लो इनकी अखे से जो अथरू छलका रहे वो गवान है। सी अज ये मेरे सामने बच्चा बैठे दा 97.6 नंबर लिया इन्होंने 10वीं चा, और बड़ा बड़ा आशीर्वाद मिला दा इन्हें ही अपने रिश्तेदारों को, अस भी इन्हें की मती मती मुबारक दिने और धन्यवाद दिने कि इन्हें मेरे ग्रां का ना तो रोशन किया है, अपने जिला सांबा का नाम भी रोशन किया है। वंशु जी आज क्या कहेंगे इस मौके पर कि आज कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है कि सोचा था कि इतने बढ़िया नंबर होंगे और ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा? सर एक्चुअली मेरे जब दीदी का रिजल्ट आ गया था वो मेरे से मतलब एक दो वीक पहले का आ गया है, तो मेरे लिए दीदी की आई थी 92%, तो मेरे लिए एक स्टैंडर्ड सेट हो गया था, मतलब मुझे इनसे ज्यादा लेनी लेनी है ना तो मेरी घर पे बेइज्जती होगी तो इसलिए मैंने बहुत ऐसे मतलब हमारा रिजल्ट आने में टाइम भी बहुत लगा, एक दो हफ्ता। तो सर जैसे अभी आज रिजल्ट आया तो जब मैंने सुना मैं 97.6% आया तो मेरे को मतलब बहुत ऐसे खुशी हुई कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ जिंदगी में। तो दिखा रहे हो बोला है कि मैं एक टारगेट सेट करी उड़ा था कि दीदी ने 92% नंबर लेने मैं उपर लेने हल भी आई सकते, लेकिन इनके पिता कहना जिसल गल आई उन्हें आखिया नहीं बच्चा मेरा जागत भी लायक है और इन जो टारगेट सेट किया था वो उपर के नंबर लेने 97%। और मेरे कहना बच्ची बैठी बेटा अज भरा थोड़ा 97% नंबर ले आया, अज खुश है कि मी टारगेट लभेदा दीदी को उपर नंबर लेने कि अज कैसा लग रहा? वैसे तुम्हें भी मती मती मुबारक, 92% नंबर लिया 12वीं च भी कोई आसान गल नहीं है। सब तो पहला थैंक यू थोड़ा, स्टार्टिंग को लाई है फर्स्ट क्लास को ला कि इन्हें हर क्लास च मेरे को मते गए लेते, ते मेरा 8th च जिले 97 आए है ना ते मिगी लगया ए इन्हें ब्रेक है नहीं करने, बट इन्हें उभी ब्रेक की ते 99.9% ले होते, ते इन्हें मतलब हर क्लास से मिगी ये बोलता कि दीदी मतलब मते लेने मते लेने मते लेने, और इन्हें 10th च भी लेते तो बड़ा प्राउड फील हुआ है। खुशी है? हां जी बिल्कुल, थोड़े को बहुत नंबर लेते हैं लेकिन खुशी है? हां जी बिल्कुल। दोस्तों ये तो भैन होंगे ने भरा बोला ना कि मैं नंबर उपर लेते हैं दीदी बोला, लेकिन दीदी की खुशी है कि मेरा भरा मेरे को बहुत नंबर लिया है, ये तो योगदान है भैने का, बड़ा बड़ा दिल होंगे भैने का, और भैने के चेहरे पर तुम तो मुस्कुराहट दिखा रहे हो कि मेरा भरा अच्छे नंबर लिया है। अज फोन भी थोड़ा बड़ी जगह आवा दे होने। हाँ जी अज जिले मेरा रिजल्ट निकलिया अदू भी सारे फोन किया, अज भी सारे फोन किया, बड़ी बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशन दिया सारे, बड़े बड़ा आशीर्वाद दिया। आज गाइडिंग एंड काउंसलिंग सेल जो इतना बढ़िया काम कर रही है, इतना बेहतरीन काम कर रही है, उनका काम आज आपके सामने बैठा आप देख रहे हैं, और भली भांति परिचित होंगे उन बच्चों से भी जो नेशनल लेवल तक आज गेमें खेलकर आ रहे हैं, अच्छे अच्छे नंबर लेकर आ रहे हैं। बच्चों बहुत बहुत मुबारक है मेरी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जिला सांबा का नाम रोशन किया है, अपने गाँव का नाम रोशन किया है।